भैया क्या नाम है आपका? सौरभ अरोरा सर। सौरभ जी क्या हुआ था आज? भैया जो है बेटा गांव के लड़के थे, वहाँ का जो आकाश धाम है, प्रधान है, सभासद है वो था, उसके साथ एक मुनीम है, गुरपरुण नाम है उसका, उसके साथ चार पांच और थे, हथियारों तक लैस थे, लोहे की रोड और जो है पिस्टल वगैरह ले रहे थे। तो जैसे ही आए हम तो उठ कर भाग गए यहाँ से एकदम, आते उन्होंने रोड मारी, शीशा थोड़ा उस दुकान का, यहाँ पर आके स्टोल स्टोल फेंक के, तो घर की लेडीज आई, उनके साथ भी बदतमीजी, हमें उन्होंने अंदर कर दिया। और जो है उसके बाद जो हम ऊपर चले गए घर से बाहर, मतलब हम थाने में 100 नंबर पर फोन करा, जब पीसीआर आई इतने भी चले गए। अच्छा कितने लोग थे वे? सर जो है वे 7-8 लोग थे जी, दो के हम नाम जानते हैं, बाकी अज्ञात है जी, उनके नाम नहीं जानते। कौन कौन दो लोग थे? एक का नाम है जी आकाश धामा, बेटा का सभासद है गाँव का, और जो है दूसरा अरुण है, नाम वैसे सब मुनीम के हैं, सब दो जने थे जी जिन्हें हम जानते हैं। अच्छा क्या इरादा था उन लोगों का आपके यहाँ? जान से मारने का था जी, बिल्कुल इरादा जान से मारने का लेकर आए थे, हाथ में पिस्टल था और रोड थी लोहे की, वो तो अंदर ना जा तो हमला कर दिया था उन्होंने जी। अच्छा पुलिस की अगर हम कानूनी कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की अभी गई है? 3 दिन से सर कुछ नहीं हुआ, 3 दिन हो गए, 3 दिन से झगड़ा हो रहा है, रोज आ रहे हैं, कल भी आए, परसों रात भी आए, मेरे पास परसों की वीडियो भी है कि यहाँ गोली चलेंगी, हम शटर डाल के अंदर छत पे ऊपर चले गए, उसके बाद वे यहाँ घूमते रहे और जो है अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक वे उठे नहीं है जी। अच्छा अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप लोगों का अगला पड़ाव क्या होगा? अगला तो ये होगा जी मकान बेच के गांव चले जाएंगे जी, और क्या होगा जी। क्या नाम है आपका? सन्नी अरोरा। सन्नी जी क्या हुआ था आज आपके साथ? बस भैया मेडिकल में बैठा, 3 दिन से मामला चला, परसों रात आए, मैं तो था नहीं, यहाँ भाई थे दोनों, इनके साथ झगड़ा करा उन्होंने परसों रात, तो परसों रात तहरीर दी थाने में तहरीर देकर चले जाओ, देख लेंगे कोई, अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद कल फिर आए दोपहर में, तो भी हमने सूचना दी, तब भी कुछ नहीं हो पाया, अब तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं। आज फिर आज आए, मेडिकल पे बैठा था, आधे रोड से हमला किया और एक दूसरे से कहते रहे पिस्टल निकालो गोली मारेंगे, इन्हें यहाँ रहने देंगे, मकान बेच के जाना पड़ेगा। अच्छा खुलेआम धमकी दी, बदमाशी दिखाई, पुलिस की अगर हम बात करें पुलिस क्या कुछ कर रही है अभी तक? अभी तक तो कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई। अच्छा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर लोनी बॉर्डर क्षेत्र की तिलकराम कॉलोनी में एक व्यापारी के साथ मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया था, क्या है सर पूरा मामला? लोनी थाना लोनी बॉर्डर के अंतर्गत एक व्यापारी द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा गाली गलौज तथा उसके दुकान में तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके और वीडियो इत्यादि देख करके उसमें चिन्हित मुख्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है।